इन दिनों अयोध्या में रामलला के मंदिर में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसी बीच कल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ निर्माण कार्य का जायजा लेने और रामलला के दर्शनों के लिए पहुंचे थे और आज सुपरस्टार रजनीकांत अपनी पत्नी संग अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए आए हैं। यहां उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ रामलला का पूजन किया। या बहुत भाग्यशाली हूं मैं, ये बहुत सालों का इरादा था, आज पूरा हो गया, आज पूरा है। जिस तरह से राम कॉरिडोर बन रहा है, रामलला का पूरा कॉरिडोर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, कैसे देखते हैं आप? ये तो बहुत चारित्रिक है, बहुत चारित्रिक है, और खुलने के बाद और देखो कैसे हो गए। बता दें कि सुपरस्टार रजनीकांत 18 अगस्त से 20 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज रजनीकांत का उत्तर प्रदेश में आखिरी दिन है जिसमें उन्होंने रामलला के दर्शन किए। अपने दौरे के दूसरे दिन रजनीकांत ने यूपी के सीएम योगी से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें इंटरनेट पर खूब छाई रही, और आज उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश ने इस मुलाकात को लेकर ट्वीट भी किया और लिखा कि जब दल मिलते हैं तो लोग गले मिलते हैं। मैसूर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान पर्दे पर रजनीकांत जी को देखकर जितनी खुशी होती थी वो आज भी बरकरार है। हम 9 साल पहले व्यक्तिगत रूप से मिले और तब से दोस्ती है। सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों अपनी फिल्म जेलर को लेकर चर्चाओं में है। इस फिल्म को रिलीज हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और फिल्म ने 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।